आज नॉर्थ एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कागजात मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। 4 अक्टूबर को नॉर्थ एमसीडी ने अपनी वेबसाइट पर एक ई टेंडर किया। ये ई टेंडर 65 पार्किंग लॉट्स के लिए नॉर्थ एमसीडी के अंडर जो आते हैं उसका ई टेंडर था, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी में ऐसा भ्रष्टाचार है। और आजकल क्योंकि भाजपा को पता है कि उनके एमसीडी में कुछ ही महीने बाकी हैं और एक बार वो एमसीडी का चुनाव अप्रैल में हार जाएंगे तो पैसे कहाँ से खाएंगे। आप देखिए 9/11 को उस टेंडर में एक कॉरिजेंडम किया जाता है और बिना कोई कारण बताए 5 ऐसी प्राइम लोकेशन की पार्किंग्स को उस ई टेंडर या उस ई ऑक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। और ये बिना किसी कारण के अब कहा जाता है कि हम मिनिमम रेट पर ये पार्किंग का अलॉटमेंट उन्हीं लोगों को करेंगे जो अभी तक इन पार्किंग को चलाते आए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्राइम लोकेशंस की ये पार्किंग जहां से नॉर्थ एमसीडी को अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता था। अगर हम एक मोटा अनुमान लगाएं तो एमसीडी को महीने के 17 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर इसका ऑक्शन होता तो तकरीबन 4 गुना तक इसका रेवेन्यू सरकार को मिल सकता था, 65-70 लाख रुपए। और डॉक्टर और नर्स धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर तनख्वाह नहीं दी तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। नॉर्थ एमसीडी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पर्दाफाश हो गया है। भाजपा शासित एमसीडी इतनी बेशरम हो गई है कि वो कोई छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि वो इतने डेस्परेट है कि आने वाले 4-5 महीने में जितना पैसा लूट सकते हैं लूट लो, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि 15 साल के कुशासन, 15 साल के भ्रष्टाचार के बाद इस बार एमसीडी के चुनाव में वो भाजपा को निकाल बाहर करना चाहते हैं।